पंजाब सरकार जहां फ्रंट लाइनर्स के लिए बड़े बड़े दावे कर रही थी, वहीं आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन ने मानसा जिले में त्रिकोणीय चौक जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब सरकार से मांगों की अधिसूचना जारी करने की मांग की गई। मानसा जिले में आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जबरदस्त धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे कोविड-19 के दौरान मानसा जिले में सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने अपनी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया, कोरोना पीड़ितों का घर घर जाकर डेटा एकत्र किया। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो भविष्य में संघर्ष तेज होगा। रोड जान करना पेगा सानू सरकार ने बार बार मजबूर किया होया, सरकार जिहड़ियां मजबूर कर रही ने साडा जी करता सी अज दोबारा भी असं रोड जाम करिए, पब्लिक भी परेशान होती हैगी। पर सरकार ने कल सरकार ना अपनी मीटिंग सी साड़ी, सानू उम्मीद सी कल भी साड़ा नोटिफिकेशन जड़ा वो लागू करनगे, तो इन्होंने साड़ा नोटिफिकेशन लागू करने बजाय सरकार ने फिर टाइम डाउन की है। पर असी चाहते नहीं सी अज इतने आना, पर सरकार पता नहीं क्यों साढ़े ना बार बार वादे करती है तो मुकर जाती हैगी, पता नहीं क्यों इस तरह करती है। पर असं सरकार नूं कहने हैं कि कितने तुसीं साढ़े कम्मां तों खुश हो के तुसीं सानूं अपने आप जिहड़ा साडा बनता माण पत्ता सीगा तुसीं साडियां कुड़ियां नूं वो देना सीगा, सगों सानूं होर देण दी बजाए साडा जिहड़ा पिछड़ा मिलदा सीगा साथों वह भी खोहया गया, तो साडियां कुड़ियां नूं इक रुपया भी जिहड़ा हुण मिल नहीं रहा। तो इन्हां नूं बहुत जिहड़े खर्चे ने गे घर के खरीदारियां ने चुल्हे चलाने औखे होए पए ने गे, साडिया सिर्फ एक जायज दो मंगा सीगियां, हाजरी यकीनी बनाउणी ते हरियाणा पैटर्न जिहड़ा लागू करना। पर सरकार नूं फिर कहने एक बार भी जिहड़ा साडा हरियाणा पैटर्न उहदा जिहड़ा वह लागू जल्दी करे नोटिफिकेशन, ते साडियां कुड़ियां ने जिहड़ियां वह सड़कां ते ना बैठण ते आपो अपने कम्मां दे विच जाण ते अपने कम्म सामण। ते असीं सरकार दा इन्ना कम्म कीता सीगा कोरोना दे टाइम च, इन्नी भयानक बीमारी सीगी, तो उस टाइम सरकार नूं क्यों नहीं याद आया। जे सरकारां नूं सम्मान तो हुंदियां ने तां इक आशा वर्कर दी बदौलत ने जो घर घर जाके काम करदियां ने वो एक आशा वर्कर ने गियां, तां फिर सानूं माण पत्ते देण वाली आशा वर्कर नूं तां सरकार हत्थ मांगर क्यों खिचदी है। तां सरकार नूं चाहीदा साडी आजादी मंगां पूरियां करे ते और असीं अपने कम्मां ते जाईए। इह तां सरकार ने ही करवाया जी, है ना, असीं अपने आप तां कीता नहीं, मजबूर कीता गा तां ही आके बैठे हाँ गे, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਪੰਜੋਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।